इस बात का प्रमाण केवल अभय सिंह जी चौटाला ने दिया है पूरे हिंदुस्तान में, जो कहते थे कि बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, सबसे पहले जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। इनेलो के साथ भी यही बन जाए कि भाई 10-15 सीट आओ और फिर बीजेपी को समर्थन कर दें। और अब ये आरएसएस ज्यादा बन चुकी है, इस 10 MLA के बदले में 11-12 महकमे ले लिए, धोखा किसने किया? और इनेलो वाले ये कहते हैं कि भाई ये गद्दार थे, इन्हें धोखा कर, ये नहीं जनता का अब तक समझ में आ रहा कि असली धोखा कर किसने है। लोगों के हाथ से पैसा तो छीन लिया गया है, उनके हाथ में कागज पकड़ा दिए। जो बच्चा पेट में था अब वो वोटिंग करेगा इस बार, चल दोनों रहे हैं, परिवार एक ही है, खून एक ही है, लोग जाएं तो जाएं कहां? तिल फेंकने की भी जगह आपको वहां नहीं मिलेगी। नींव रखने वाले चौटाला साहब हैं तो वो कैसे शामिल नहीं है? आज जो हमारा बोला बड़ा किसान है वो पोर्टल के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसको पोर्टल के जाल में फंसाया जा रहा है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है सुनैना चौटाला जी। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है और सुनैना जी कैथल में धमाकेदार दौरे चल रहे हैं। सुनैना जी, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनैना, जो परिवर्तन यात्रा इनेलो ने चलाई थी और देवीलाल जयंती पर समापन कर रहे हैं, और जो चौधरी देवीलाल की जयंती है पूरा हरियाणा एक पर्व की तरह मनाता है उसको, किसी त्यौहार से कम नहीं है चौधरी देवीलाल की जयंती। कितने लोगों की आने की संभावना है, क्योंकि आज तक जो भी इनेलो की रैली हुई है बहुत बड़ी धमाकेदार हुई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का रिकॉर्ड है कि अपनी रैली का रिकॉर्ड वो स्वयं तोड़ते हैं, और इस बार तो एक ऐतिहासिक हाजिरी दर्ज होगी। तिल फेंकने की भी जगह आपको वहाँ नहीं मिलेगी, और जो शेड हमने चुना है कैथल का वो भी बहुत बड़ा शेड है, हरियाणा में इससे बड़ा शेड कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं ये दावे से कह सकती हूँ और आपको भी निमंत्रण देती हूँ कि आप भी वहाँ ज़रूर पहुँचें और ज़रूर कवरेज करें और रैली में अपार भीड़ को आप देखें। जैसे सुनैना जी, बात चल रही है इंडिया गठबंधन की, इंडिया जो शुरुआत करी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुरुआत करी थी इसकी, और इनेलो ही अभी इसके अंदर शामिल नहीं है। ये आपको किसने कहा कि इनेलो शामिल नहीं है? डेली सुर्खियाँ आती है अखबार की मैडम, वो विपक्ष के लोगों की सुर्खियाँ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, आप स्वयं बताएं कि जब जनक हैं, जब नींव रखने वाले चौटाला साहब हैं, तो वो कैसे शामिल नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल की जो पहल हमेशा रही है, 87 में भी चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा किया था, और अब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खड़ा किया है। तमाम वो दल इसमें शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जिसमें से एक इंडियन नेशनल लोकदल भी है। मैडम, जैसे लोगों का भ्रम है, अपने किसान सीधे साधे लोगों में है, जैसे दुष्यंत बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गया, कहीं इनेलो के साथ भी यही बन जाए कि भाई 10-15 सीट आओ और फिर बीजेपी को समर्थन कर दें? कदापि नहीं। अभय सिंह जी चौटाला ने बड़े खुले लफ्जों में एक बात कही है कि हम उस पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकते जिसने जनता की लोगों के साथ कुठाराघात किया या उनको ठगा है। जो बात गठबंधन की चलती है, जिस समय कभी गठबंधन था बीजेपी से, तो वो भी दूसरे दर्जे की पार्टी थी, ना कि एक बड़ी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रैक भूल चुकी है, और अब ये आरएसएस ज़्यादा बन चुकी है, इसलिए इसके साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल एक सही बात मैं कहूँगी, इससे अच्छा हम अपना अलग बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। एक इंडियन नेशनल लोकदल के MLA अभय सिंह जी चौटाला पूरे विधानसभा पे भारी पड़ते हैं। आप कह रहे हो 10 आ जाए 15 आ जाए, मैं ये कहती हूँ पूर्ण बहुमत इंडियन नेशनल लोकदल का आएगा, हमें किसी को समर्थन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, जैसे जब इनेलो की सरकार गई थी, जब सत्ता में थी इनेलो, और इतना लंबा टाइम हो गया कि जो बच्चा पेट में था अब वो वोटिंग करेगा इस बार, जिनने चौधरी देवीलाल की नीतियों का नहीं पता, उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बुजुर्गों को पता है चौधरी देवीलाल कैसे थे, जो नई पीढ़ी आ गई अब। सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि वोट को ये ना समझे कि कहीं पे भी डाल दिया जाए। वोट का आंकलन करके जैसे हम रिश्ता भी करते हैं तो पीढ़ियां देखते हैं जी। जिस टाइम आप राजनीतिक दलों का चयन करो तो उनका इतिहास उठा के देखो। आज का नौजवान बच्चा पढ़ा लिखा है, जब वो इस इतिहास को उठा के देखेगा तो सिवाय चश्मे के उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। आगामी जब भी जनता आशीर्वाद देगी उससे भी अच्छी नीतियां बना के इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में अपनी हाजिरी दर्ज कराएगी।
मैडम जैसे परिवार टूटा, नुकसान सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि वर्कर का हुआ है, वर्कर की पीठ टूटी है, जो लोग आश लगा रहे थे कि इस बार सत्ता में आएगी हमारी पार्टी, आएगी, जिसने पार्टी को सिंचा है, स्वयं चौटाला साहब समेत और वर्करों समेत, उनके साथ एक बहुत बड़ा छल होया, बहुत बड़ा धोखा होया है। और जो दूसरे हैं जेजेपी वाले हैं, दुष्यंत जी हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने धोखा किया है, और इनेलो वाले ये कहते हैं कि भाई ये गद्दार थे, इन्हें धोखा कराया है। ये नहीं जनता का अब तक समझ में आ रहा कि असली धोखा कराया किसने है, जबकि धोखा वर्कर के साथ होया है। ये ना मीडिया को क्या पता समझ में आया ना है, लेकिन जनता को समझ में आ गया है कि धोखा किसने किया है। आज 11 महकमे हैं, 10 एमएलए के बदले में 11-12 महकमे ले लिए, धोखा किसने किया। जो कहते थे बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, सबसे पहले जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए, धोखा किसने किया। आज जो 75% युवाओं को रोजगार देने का वायदा था, एक युवा भी उस योजना के तहत नौकरी नहीं लगा। जनता के समझ में आ चुका है। मैं तो आपको ये बताती हूँ कि ग्राउंड की हकीकत जो है, 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान अनेक गांव और शहर में हम गए, कस्बों में गए। आज लोग ये कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल होगी कि हमने चश्मे के निशान को छोड़ा, और मुझे ये भी कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, जो हमारी भूल हुई उससे डबल करके तेरे को सुधार के देंगे, बस हमारे बालकों को नौकरी लगा देना और हमारे काम करवा देना। यानी कि ये बात उनका कहना, ये साफ इस बात को दर्शाता है कि उन्हें केवल उम्मीद अगर है तो अभय सिंह जी चौटाला से और इंडियन नेशनल लोकदल से। जैसे मैडम आप कंटिन्यू परिवर्तन यात्रा में रही हो, पैदल चले हो, आपने क्या क्या समस्या लगी कि भाई ये चीज़ें तो इस सरकार में होनी चाहिए थी और अब तक नहीं हो पाई है? देखिए, मौजूदा सरकार ने कोई भी काम नहीं कराया। जो हकीकत है, ना तो गांव में कहीं सड़कें हैं, ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं। महंगाई से महिला वर्ग बहुत परेशान है, ना बालकों को नौकरी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इस बीच में एक बहुत बड़ी समस्या जो है मीटर की, जो बिजली के मीटर हैं, मनमानी करते हैं अधिकारी, मनमाने बिल भेजते हैं। आज गरीब जनता इस बात के लिए परेशान है कि वो बिल कैसे भरे। जो आइडिया बना दी, लोगों के हाथ से पैसा तो छीन लिया गया और उनके हाथ में कागज पकड़ा दिए गए, इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है, लोगों को खून के आंसू रोते देखा है। पोर्टल बना दिए, आज जो हमारा बोला बड़ा किसान है वो पोर्टल के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसको पोर्टल के जाल में फंसाया जा रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पोर्टल के जाल में फंसाया जा रहा है कि पोर्टल पे जाके अपनी पेंशन बंधवाओ, 60 साल का बुजुर्ग कैसे जाएगा। ये तमाम जो समस्याएं हमने देखी है, अभय सिंह जी चौटाला ने वायदे किए हैं, और वायदे भी आप, मैं कहूँगी कि रैली में आके सुनना, परिवर्तन यात्रा के दौरान तो हमने तमाम समस्याओं का निदान सोच लिया, बल्कि अभय सिंह जी चौटाला ने टीम और कमेटी का भी गठन कर लिया कि इन तमाम समस्याओं से सत्ता में बैठते ही पहले महीने में इन सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। मैडम जैसे हरियाणा में इस बार एक रैली हरियाणा में हो रही है चौधरी देवीलाल के नाम पर, एक सीकर में हो रही है, और जोर आजमाइश की जा रही है दोनों ओर से कि भाई असली वारिस चौधरी देवीलाल के हम हैं, असली वारिस हम हैं, हम विचारधारा पर चलते हैं चौधरी देवीलाल की, और साथ में इनेलो कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलते हैं। चल दोनों रहे हैं, परिवार एक ही है, खून एक ही है, लोग जाएं तो जाएं कहां? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे केवल इंडियन नेशनल लोकदल चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात का प्रमाण, जब 13 महीने किसान आंदोलन कर रहा था, इस बात का प्रमाण केवल अभय सिंह जी चौटाला ने दिया है, पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ। तीसरी बात कि लोग ये सोचते कौन सा असली वारिस है, तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जाते वक्त जिस समय वो दिवंगत हुए, अपनी गद्दी ओम प्रकाश जी चौटाला को देखे गए थे, तो राजनीतिक तौर के ऊपर ओम प्रकाश जी चौटाला उनके वारिस हैं और इंडियन नेशनल लोकदल उनकी पार्टी है। मैडम जो लास्ट सवाल है मेरा, ये जो कैथल में रैली होने वाली है 25 सितंबर की, जो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना रही है पार्टी, खास बड़ा क्या होने वाला है? तमाम हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं इस रैली में पहुंचेंगे, और ये अपने आप में ही एक बड़ी रैली है, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का कद जो है ना केवल हरियाणा बल्कि देश के जनता के लिए भी बहुत बड़ा है, तो उनका जन्मदिन किसी बड़ी चीज़ से या किसी बड़ी घोषणा से कम नहीं। धन्यवाद। ये थी सुनैना चौटाला जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान।